पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक इश्क और एक जुनून का नाम है। 14 अगस्त को जिस दिन ये मुल्क वजूद में आ रहा था, उस दिन अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तारीख मुरतब की थी, ऐसी तकदीर लिखी थी कि ये 27वीं रमजान की रात थी, गालिब गुमान के शब्बे कदर। और जिस तरह अल्लाह फरमाता है कि तुम शब्बे कदर को क्या जानो कि ये वो वक्त के जब मलाइका नजूल फरमाते हैं अल्लाह के तमाम इज्न के साथ, तो ये अल्लाह का इज्न उस दिन मुकम्मल हो रहा था कि एक वतन ने, एक मुल्क ने वजूद में आना था कि जो 1400 साल की मुसलमानों की तारीख की अमीन था। इस रात जिस वक्त ये मुल्क वजूद में आ रहा था, रात के 12:01 पर जिस वक्त रेडियो से पहली दफा ये आवाज गूंजती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक हो पाकिस्तान वजूद में आ गया, उस वक्त लाखों मुसलमान इसको सुनने से पहले कट चुके थे। ये हमारी तारीख का एक ऐसा रोमांटिक पीरियड था, एक ऐसी रोमानवी दास्तान थी हमारी के जिसकी तकमील के लिए कम से कम 40 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसे हमने कहा एक जुनून है, एक इश्क का नाम है। पीर जमात अली शाह, पीर मानकी शरीफ, बड़े बड़े औलिया और फकरा जिनको खुद बराए रास हजूर ने ख्वाब में आके बिशारत दी और हुक्म दिया कि इस पाकिस्तान की तामीर में, इस पाकिस्तान की मुखालफत ना करना, जो मुखालफत करेगा रौन दिया जाएगा। अब जो है ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अहम फितरत के मुताबिक है, लेकिन एक बात आप नोट कर लें, ये मुल्क जो है ये अल्लाह ने और मोहम्मद ने और अली ने बनाया। क्या जी? अल्लाह ने बनाया ये मुल्क, अल्लाह ने, मोहम्मद ने और अली ने बनाया। इनकी इस मुल्क की सेक्शन बड़े 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 की हुई है। तीन चीजा तो बड़ा अजीबो गरीब रखते, एक रमजान, एक कुरान, तीजा पाकिस्तान। एक रमजान है, एक कुरान है, एक पाकिस्तान है। क्या आज सोचना पैदा कि पाकिस्तान इतिहास क्या बन गया 27 रमजान? क्या इतिहास के रमजान आया, क्या इतफाक नाल आया, कुरान आया, इतफाक नाल आया, ये इतफाकिया नहीं आया। तो मैं हमेशा कहना कि खाके कायनात कानूनी कुदरत कोई चीज ऐसी नहीं जी अनप्रोजेक्टेड है, बल्कि बाल हफ्ता तय शुद है और उसको मुखे रहना है। तो मेरा मतलब रमजान भी अपने आप नहीं आया, कुरान भी अपने आप नहीं आया, मेरा मतलब पाकिस्तान भी अपने आप नहीं ना बने। लोग मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं और नजरिया पाकिस्तान पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। नजरिया पाकिस्तान जो था ये सियासत का चक्कर था, ये जनाब अंदर सियासतदानों का चक्कर था, ये कोई बदमाशी है, ये सियासत का चक्कर नहीं था, ये कुफर और इस्लाम की जंग थी, हक और बातिल की जंग थी, जो मेरे मदीने वाले ने बदर से शुरू की थी।
उन बंदों में एक बहुत ही नेक मुबारक वजूद सूफी बरकत अली साहब का है। राइट। उनकी ये किताब भी अभी लेटेस्ट शाया हुई है मुहिब पाकिस्तान के नाम से, यानी लवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करने वाले मुहिब पाकिस्तान। सूफी बरकत अली साहब फैसलाबाद के पास समुद्री रोड पे दारुल एहसान के नाम से आपका एक मकाम है, वहीं पे आपका इंतकाल, वहीं पे आपका मजार भी है। सही। और जो फैज आपका किस दौर में आए? अभी 91-92 में इंतकाल किया, अभी लेटेस्ट। राइट राइट राइट। और इतना खूबसूरत फैज इनका फैला, और उनके एक के बारे में तो दुश्मन भी कहते हैं, इनके मुखालफत करने वाले भी, कि अल्लाह के वली फकीर दरवेश। सूफी बरकत अली साहब के हम अल्फाज आपको सुनाते हैं जो इस किताब में उन्होंने कोट किए, और उनके तमाम जिनसे वाबस्ता अफराद हैं वो जानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि ये खुद अपनी जबान से उन्होंने बात की है, दीवाने का हवाला दिया है, लेकिन है इनके अल्फाज। कहते हैं कि एक दीवाना के जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे। अक्वामे मुत्तहिदा फैसला करने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी कि हम इस काम को करें या हम उस काम को न करें। उनको 91 में आपका इंतकाल हुआ। कहते हैं कि बंदे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आवाज मकतूब कर दी गई है, लिख दी गई है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है इनका। ये कहते हैं कि ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरी सदा नहीं है। ये भी पोएट थे, इन्होंने शायरी भी थोड़ी सी की। अच्छा, ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये तो है मंशाए रब्बे बिल यकीन, यानी मेरे रब की ये मंशा है और यकीन से मैं बात कर रहा हूँ। बल्कि एक जगह तो उन्होंने ये फरमाया कि कहते हैं मैं अलकनगरी में, मुमताज मुफ्ती अलकनगरी में बाबा जी को कोट करते हुए सूफी बरकत अली साहब को कहते, लोगों जान लो कि एक वक्त आने वाला है कि यूएनओ कोई कदम उठाने से पहले पाकिस्तान, उस वक्त हम रुखसत हो चुके होंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ आके मेरी कब्र पर थूकना। यानी इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो आके मेरी कब्र पर थूकना। मुमताज मुफ्ती इस पर लिखते हैं कि मैं बुजुर्ग के इतने बड़े दावे पर हैरान और परेशान रह गया कि या अल्लाह ये पाकिस्तान क्या शय है, क्यों लोग इसकी अजमत की बातें करते हैं। कि एक जंगल, एक दीवाना एक जंगल में किनके चल रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की हां और ना में अखबारें आम के फैसले हुआ करें। है कि नहीं? बंदे बनते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ये कॉल जो हम अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं हमारा क्या काम। जो कुछ होना है वो तब होना है इंशाल्लाह। वो इतना शानदार है कि अल्लाह घटियों और कमीनों को उसका हिस्सा भी नहीं बनाएगा, इनको वैसे ही अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह अपने काम निगाह बुलंद सुखंद अल्लाबाद और जाकुर सोच से लेगा, उनसे लेगा कि जिनकी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, उनसे लेगा कि जिनकी निगाह तकदीर तब्दील करती है, उनसे लेगा कि जो वसत अफलाक में तकबीर मुसलसल देते हैं, उनसे देगा कि जिनकी अजा से लरजता है शबिस्ता में वजूद, वो जो बंदा मोमिन की अजा से पैदा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान बाज नहीं आएगा कि पाकिस्तान का छेड़छाड़ बंद करे, ये पाकिस्तान तोड़ने के अगले महीने पर काम कर रहा है। आने वाले वक्तों में हमें शदीद मुश्किल पेश आएंगी जहां तक दाखिली दहशतगर्दी और इंडिया की तरफ से साजिशों का ताल्लुक है। अगर अल्लाह का फजल है इस पाकिस्तान को बनाते हुए हमने 50 लाख शहदा दिए थे, अभी इसको बचाते हुए हमने 10,000 भी शहदा नहीं दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदा कौमें शहीद देती हैं, जब जमीन खुश हो जाए तो उस पर पानी छिड़क के इसको आबाद किया जा सकता है, जब कौमें बंजर हो जाए तो फिर शहदा का खून मांगती है। कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब धमाके हो जाए, चलनामे हो जाए, फसाद हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। मोल जिस तरह नहीं टूटते, न टूटेंगे इंशाला, न कोई, सिर्फ ये हो रहा है कि जो नफाचे हैं वो आपके सामने आते जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह पहचान लो। आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान जो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा उसके नतीजे में एक फैसला कुन जंग हमारी मुकद्दर है उसके साथ। हदीस शरीफ में इसको गज़वा हिंद कहा गया, एक ऐसी जंग जो फैसला कुन होगी, और हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक इंशाल्लाह मुसलमान बादशाह, मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान फौजें हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे। आज के अल्फाज में आपको ये खुशखबरी सुना देते हैं इंशाल्लाह, और ये हमारे अल्फाज नहीं है, आप इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का नारा सुना रहे। लोग हमें कहते हैं कि हम जंग करने की बात करते हैं, नहीं, हम जंग करने की बात नहीं करते, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जंग ये छेड़ेंगे खत्म हम जाएंगे इंशाल्लाह।
دوسری طرف اس پاکستان کی انشاءاللہ ہاں اور ہاں میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ پاکستان ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو اکٹھا کرے گا جس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آج یورپین یونین بن چکا ہے جس میں کامن کرنسی ہے, کامن ڈیفنس ہے, کامن اکانومی ہے, اس کے باوجود وہ ملک اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے. اس طرح شروع میں پاکستان لیڈ کرتے امت مسلمہ کو اس مرکز پہ جمع کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کی فوج میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹرکش بریگیڈ ہوں گے, ایرانین بریگیڈ ہوں گے, عرب بریگیڈ ہوں گے, پاکستانی فوج پوری دنیا میں ڈپلوائے کی جائے گی امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. پاکستان کی فوج سے پنجاب ریجمنٹ, سندھ ریجمنٹ, بلوچ ریجمنٹ کے نام ختم کر دیے جائیں گے. یہ بدر ریجمنٹ, احد ریجمنٹ, یرموک ریجمنٹ اور تبوک ریجمنٹ ہوں گے انشاءاللہ. اس پاکستان کا نظام عدلیہ تبدیل کر دیا جائے گا. اس سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی بجائے یہاں پر خلافت راشٹہ کا نظام عدل قائم کیا جائے گا جہاں پہ گڑیا بھی خلیفہ وقت سے پوچھ سکے کہ آپ دو چار میں کہاں سے لائیں. اس پاکستان میں انشاءاللہ یہ کرپٹ, ناپاک, پلید سیاسی نظام ختم کر دیا جائے گا جہاں پہ یہ حرام خور این آر او کے دھلے اندر حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. پاکستان میں قیادت کا حق اس کو ہوگا جو اللہ کے نزدیک تقوی میں اعلیٰ ترین ہوگا, جو نگاہ بلند ہوگا, سخن دل نواز ہوگا, جان کو سوز ہوگا. اس پورے سیاسی نظام کو تبدیل انشاءاللہ کیا جائے گا. اس پاکستان کے پورے معاشی نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ سود اور ربا کی بنیاد پر فالس پیپر کرنسی کے ساتھ, اس کاغذ کے نوٹ کے ساتھ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اکانومی ہے, اس کو تمام کو تبدیل کر کے خلافت راشدہ اور بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ ایک سالڈ اکنامک سسٹم بلڈ کیا جائے گا جو کہ 1400 سال سے امت مسلمہ میں رائج تھا. عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ.